वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। कमेंट्स में एक बार बताएं सबसे पहले वही कि तैयारी कैसी चल रही है। देखिए ऑल यूपीएससी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। वो खुशखबरी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑल यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो क्या कराई जा रही है, कमेंट्स में बताएं, फ्री में कराई जा रही है कि नहीं, सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है कि नहीं। तो भैया ये जो फ्री में तैयारी चल रही है, पूरा जो सिलेबस है यूपीएससी का, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ाने की बात करी जा रही है और आपको कराई जा रही है। देखिए हमारा ये जो आप ये कह रहे हैं, आप हमारा जो ये ओवरऑल मुहिम है वो आज से नहीं है, ये पिछले 6-7 सालों से चल रहा है। और आप यकीन मानिए कि ये जो सिलेबस है वो हम लोग पूरा कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ते हैं और पिछले कई सालों से हम इन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज में आपको क्या है भैया, पॉलिटी की जो क्लास है वो मिली रही है ना, पॉलिटी की जो क्लास है वो मिली रही है और आपकी इकोनॉमी की जो क्लास है, ठीक है, इकोनॉमी की 19 क्लासेस हुई हैं, ठीक है। तो 19 के आगे की क्लासेस ये शुरू होने जा रही हैं और आपकी पॉलिटी की कितनी हुई है, 10 क्लासेस हुई हैं। आज ये आपकी 11वीं क्लास है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो आज नए जुड़े हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपने अगर अभी तक ये 10 क्लास नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आज की जो क्लास है जो शुरू होने जा रही है, फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार से, आप ये समझिए आज ये आपकी पहली क्लास है। पूरा सिलेबस आपको फ्री में कराया जाएगा और यूपीएससी से की जो बुक्स है, जो स्टडी मटेरियल है, वो सारा कुछ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर पाएंगे, वहां पर आपको दे दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया। जिनको नहीं मिला है वो क्या करें, प्लीज एक बार, सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं, इस पर आप व्हाट्सएप कर दे, ठीक है, आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बुक्स, स्टडी मटेरियल ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया, जो आपका ये सब्जेक्ट चल रहा है इंडियन पॉलिटी, इसका जो सिलेबस है वो भी कल रात में आपको प्रोवाइड कर दिया गया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम चैनल पर। अगर कर दिया गया, आप सभी को मिल गया है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि बुक्स भी आपको मिल गई है, मटेरियल भी आपको मिल गया है और क्या क्या मिल गया है, जो आपका सिलेबस है पॉलिटी का वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, ये जो बुक्स हैं आपको जो मिल रही हैं, ये बुक्स अभी क्या है, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट की बुक्स मिलेंगी, मतलब जो इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट चल रहे हैं इससे रिलेटेड और भी बुक्स आपको मिलेंगी, उसकी पीडीएफ, ठीक है। स्टडी मटेरियल अब आपको कल शाम में और नया स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो टॉपिक्स यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जुड़े रहें, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, सारा सिलेबस आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इकोनॉमी की जो क्लास है आपकी 19, उसके आगे 20वीं क्लास आपको मोस्ट, आप ये समझिए कि 20वीं क्लास आपकी मंडे से ये लगभग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी जो खुशखबरी आप सभी के लिए है और पूरा जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर फ्री में फ्रेम किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन भैया क्लास को शुरू करने से पहले एक बार लाइक का बटन दबा दिया करें आप सभी, आप लोगों की इंगेजमेंट बहुत कम हो रही है, तो प्लीज लाइक का बटन दबा के दिया करें और वीडियो में अपने जो राय, अपनी प्रतिक्रिया है, जो आप सोचते हैं इस क्लास के बारे में, क्या पढ़ाने का तरीका अच्छा है, कुछ चेंजेस लाने चाहिए, ये सारा आप प्लीज कमेंट स्क्रीन में कमेंट करें, ठीक है। अब अच्छा, किन किन बच्चों ने शेड्यूल बना लिया है कि किन कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, एक बार बताएं शेड्यूल, इस पर काम कौन कर रहा है, जो टाइम टेबल है, किन किन बच्चों ने बना लिया है ये टाइम टेबल और कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कितने घंटे पढ़ रहे हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, यूपीएससी का जो ये जो सिलेबस है ये ऐसे नहीं खत्म होगा, ये यूपीएससी, मैं बार बार कहता हूं, ये 3 पार्ट में जो डिवाइड है, प्री, मेंस और आपका क्या लास्ट इंटरव्यू, ये जो मामला है, मैं बार बार भी क्लास को स्टार्ट करता हूं लेकिन ये जो मामला प्री, मेंस और इंटरव्यू का है वो ऐसे, ये सफर आसान नहीं रहता, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सफर कठिन है, बिल्कुल कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि आप इसे पास ना कर सकते, बस बशर्ते आपने क्या करना है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को आपको रेगुलरली फॉलो करना है। तो क्या है भैया, अपन लोग ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वर्क कर रहे हैं, प्री और मेंस, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपका है और जो मेंस एग्जाम है, इस पर दोनों पर काम कर रहे हैं और जो क्लासेस होनी है वो प्री मेंस दोनों की हो रही है, ठीक है। आप सभी जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये जो पेपर है ये तो दो ही पेपर होता है ना, प्री में यानी कि जीएस पेपर 1 होता है और आपका क्या होता है, एक सीसेट का होता है, है ना, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, जिसमें यहाँ पर आपको क्या पूछे जाते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और आपका इंग्लिश कंप्रेंशन वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये तो मामला आपका क्या है, क्वालिफाइंग, ये मानकर चलिए ये बस ये एक टिकट है, इस पे क्वास करते हैं तो आप कहाँ पहुंचते हैं, ये मेंस में पहुंचते हैं, मतलब इसके नंबर आपका क्या मेरिट डिसाइड नहीं करते हैं ये वाले मेंस के, ठीक है, बस ये टिकट है मानकर चलिए, तो टिकट ही पाना मुश्किल होता है। वैसे तो फॉर्म बहुत भरते हैं, कितने
हाँ अभी मानिए कि जो डिजिटल एरा चल रहा है, सोशल मीडिया का एरा चल रहा है, हर व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी में लग गया है, लेकिन उनसे अलग आपको कैसे होना। यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ है, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा टफ है, इतना टफ है कि निकाला नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ यूपीएससी का एग्जाम टफ नहीं है, बल्कि इसमें लोग जो एंटर कर रहे हैं वो इस एग्जाम को सिर्फ आप ये कहें छद्म तरीके से, ये कहें कि एक मूर्खता तरीके से लोग कह रहे हैं कि सही एग्जाम बहुत ज्यादा टफ। भैया यहाँ पर जो लोग अपियर होते हैं, पर अगर आप ये मानकर चलिए 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, ये जो 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं वो कौन है? वो भैया वो सीरियस लोग नहीं है? अगर देखो सीरियस वही होते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूँ, ये एग्जाम बिल्कुल आपके सर्कल में है, इसको आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें आपको फॉलो करनी है। ये एकदम पहली क्लास की तरह आप लें। अभी मैं जो क्लास है उसको स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप ये समझे कि ये जो आप ये समझिए कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख बढ़ते चले जाएंगे लोग फॉर्म भरते वक्त, यानी कि फॉर्म भरने का मतलब आप ये समझते हैं लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, लोग यही समझते हैं और समझना भी चाहिए। लेकिन यकीन मानिए कि ये इसी तरीके से है जैसे यहाँ पर क्लास शुरू हुई, पहली क्लास शुरू हुई, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर क्या किए, क्लासेस करना शुरू किए, दूसरी क्लास में फिर बच्चे थोड़े कम हुए, तीसरी क्लास में, तो ये क्या है जो पहली क्लास में जो बच्चे जुड़े वो क्या थे, वो एक हुजूम था, किसका, वो नॉन सीरियस बच्चों का भी हुजूम है, जो लास्ट क्लास तक यहाँ बना रहेगा वही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। मतलब आप समझिए जो लास्ट तक इसमें बना रहेगा प्री, ये मेंस वाला जो मामला है, यानी कि कई लोग क्या है, कई लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं, कहाँ, यहीं से ही, प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता, कई लोग यहीं हिम्मत हार जाते हैं, और क्या सबके बस की बात नहीं है, लोग चले आते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में क्या देखते हुए, लाल बत्ती नीली बत्ती, वो जो सायरन वाली गाड़ियां चलती हैं आप सभी जानते हैं, हाँ ये टॉपर निकल रहा है रील से, यहां से निकल रहा है टॉपर, गाने चल रहे हैं पीछे, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब लोभ लाभ, ये सब एग्जाम में काम नहीं होता, बल्कि आपका जो ये स्टडी है, आपका जो घंटे है, जो डिसाइड करना है आपने इतने इतने घंटे पढ़ने हैं, सिलेबस को ये चीजें देनी है, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करती है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो या फिर पीडीएफ से बाहर हो। तो भैया आपको क्या करना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको क्लास में बने रहना है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको क्लास में बने रहना, पूरी क्लास करनी है और जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसे फॉलो करें। मैं बार बार ये कहता हूं कि भैया ये जो 10 लाख अपीयर हो रहे हैं, 12 लाख, अब तो और संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हर देखिए आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली जैसे शहरों में क्या है, आप चले आइए दिल्ली में क्या हो रहा है, देखिए वहां पर क्या है मामला, वहां पर लोग बैग लेकर किसी खास कोचिंग इंस्टीट्यूट के बैग लेकर घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं भैया, वो देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के बैग लेकर घूमना, लोगों के साथ टाइम पास करना, ये एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है, एग्जाम ये कैसा एग्जाम है, आपको लगना होगा डट कर, और मैं यकीन मानिए बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बड़े बन चुके हैं, कहने भर को बड़े बन चुके हैं, लेकिन आप बहुत सारी रील्स में देखते होंगे बड़े बड़े टीचर्स, वो क्या है, वो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, आप यकीन मानिए वहां पर आप पैसे एक बार दे दीजिए जाकर, वहां पर ये होगा आपसे पूछने कोई नहीं आएगा कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये कोई भी जवाबदेहिता नहीं होगी उनकी कि आपसे वो पूछे, ठीक है, कहने का मतलब है हमारे जो प्लेटफॉर्म से यहाँ पर लगातार आपको व्हाट्सएप से कनेक्ट किया जाता है, आप लगातार अगर 9711 इस नंबर पर आप अगर यहाँ पर व्हाट्सएप करते हैं तो यकीन मानिए एक आप मैं दावे से कह सकता हूं प्रत्येक जो स्टूडेंट है हर स्टूडेंट का रिप्लाई यहां पर दिया जाता है, और अगर कॉल होती है तो कॉल की जाती है सब कुछ, तो कहने का मतलब है एक बार ये जो 10 लाख की भीड़ है इस भीड़ में आप भी हैं, ये मानिए आप भी हैं, लेकिन उन 10 लाख में से आप 50,000 60,000 80,000 की संख्या में कैसे आना है, आपको सिर्फ यही काम करना है कि रेगुलर क्लासेस करना है, जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को बोले जाए वो करें, यकीन मानिए आप कहीं से भी आते हो, आपका एकेडमिक कितना भी खराब हो, आप पढ़ाई में कितने भी कमजोर हो, ये मैटर ही नहीं कर सकता, आज से अगर लग जाए, आज से अगर आप लग जा रहे हैं तो यकीन मानिए ये जो एग्जाम है ये बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आपके इरादे बड़े होने चाहिए, एग्जाम छोटा हो जाएगा, मैं बार बार कहता हूं इरादे बड़े बनाइए एग्जाम छोटा होगा। तो भैया क्या है प्रीलिम्स मेंस, ये जो मेंस का मामला है ये कुल 1750 नंबर जो है 7050 ये जो मार्क्स हैं आपके, ठीक है, ये जो 1750 का मामला है ये कुल लिखने वाला एग्जाम है, कुल लिखने का एग्जाम है, और ये सब तो सिर्फ एक टेस्ट लेते हैं, वो प्री में आपको एक ये कहते हैं आपको टिकट देंगे अंदर जाने का मेंस को कि नहीं, मेंस का जो मामला है वही सारा कुछ सेट करता है, ये तो बस वो अब लोग क्या है लोग यहीं पर नहीं मामला क्लियर नहीं हो पा रहा उनका, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भैया इसको आपको क्लियर करना है,
मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें आगे बढ़ानी है, और ये हमारे यहाँ कराया जा रहा है। दोनों के अप्रोच को लेकर मेंस और प्रीलिम्स की क्लासेस दोनों कराई जा रही है। एनसीईआरटी भी यही कवर, मैं कान खोलकर सुन लो, आप लोग जो कमेंट सेक्शन में कहते हो कि एनसीईआरटी का क्या मामला है, कराई जा रही है, लेकिन भैया एनसीईआरटी भी इसी में कवर हो जाएगी, स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो भी इसी में कवर हो जाएंगे, स्टडी मटेरियल जो हमारा दिया जा रहा है यूपीएससी का वो आप पढ़ते रहें, क्लास में जो बताया जा रहा है वो करते रहें, यकीन मानिए आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेरा चीखने का यही मकसद है कि प्लीज जो लोग क्लासेस कर रहे हैं वो करते रहें, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो उन्हीं भीड़ का हिस्सा है जो ये 1 लाख सॉरी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हर साल बढ़ते चले जाएंगे लोग, हर साल बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आपको अगर इन 10 लाख से हटकर इसमें टॉप वो जो 60,000-50,000 लोगों में आना है, तो यही पहली क्लास से अंतिम क्लास तक आपको बने रहना है, और वो 10 लाख वाले अब बाहर हो गए हैं, मतलब इस क्लास से भी बाहर हो गए हैं। जो लोग भीड़ का हिस्सा थे, आप देखिए बहुत कम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मतलब कम लोग का कहने का मतलब है कि पहली जो क्लास होती है उसमें भीड़ इकट्ठा होती है। कहीं सेमिनार जाइए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहां पर ना बुलाए, वहां पर एक जगह भी नहीं होती, मतलब एक एक बार में 2-2, 3-3 हजार बच्चे एक साथ, मतलब जगह तक नहीं बचती है क्लास में, इधर से बढ़ रहे हैं, इधर से ठूसे जा रहे हैं, कहीं से भी आप वहां आप देखेंगे कि जाते हैं। क्यों? अब वही जब एडमिशन में तब्दील होता है, पढ़ने की बात आती है, तो वहां पर क्या होता है, मामला खत्म हो जाता है, फिर क्या, फिर सीटें खाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया वहां पर पढ़ने के लिए कोई नहीं आता, बल्कि सेमिनार वो है ना कि एक बड़ी चीजें मिल जाए मुझे, यार आईएएस बनना है, कोई बना देगा? नहीं भैया, कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। आप दावे से कह सकता हूँ, बड़े बड़े रील्स में जो आप ये कह सकते हैं कि जो टॉपर घूमते हैं, और बड़े बड़े रील्स में आप ये कह दें कि जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के महारथी जो अपने को बोलते हैं वो भी घूमते हैं, उनसे भी कहला दिए आपको यूपीएससी टॉप करा दे, तो नहीं होगा, उनसे भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि भैया जवाबदेहिता तय होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी, और आपकी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो भैया चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें हो गई, बस ये कहने का मतलब है कि भैया आपको लगना है, क्या करना है, लगना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका ये लेक्चर, 11वीं क्लास है आपकी, जो क्लास कर रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लासेस समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। लास्ट क्लासेस में आपने क्या पढ़ाता है एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, लास्ट क्लासेस में जो हमें संवैधानिक उपचार मिले हैं अनुच्छेद 32 के माध्यम से, यानी कि आर्टिकल 32 के थ्रू जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिले हैं, उनमें क्या 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 प्रोसेस था उसको हमने देखा, कैसे आप किन किन माध्यमों से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो क्या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं, सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी, और आर्टिकल 32 को हमने पूरी अच्छे से समाप्त कर लिया। अब जो बच्चे अभी आज पहली बार जुड़े हैं वो एकदम फ्रेश माइंड से यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर पिछली क्लासेस नहीं भी करी हैं तो आपको यहां पर चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 जो हमने अनुच्छेद 32 पढ़ा वो यही था कि मूल अधिकार का अगर वायलेशन हनन हो रहा है, कहीं आपके मूल अधिकार का कहीं उल्लंघन कोई कर रहा है, तो आप सीधा कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अब ये जो मूल अधिकार सारे हैं कौन कौन से हैं वो अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये सारे मूल अधिकार अगर इन्हीं का उल्लंघन होगा जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इन्हीं के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो यही क्लियर है कि ये सारी चीजें अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या है ये मूल अधिकार, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या शुरुआत करें, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार आपको दिए हैं, अधिकारों के प्रकार जो है वो हम देख रहे हैं, क्या है, फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, मूल अधिकार। चलिए देखिए मूल अधिकार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो भारतीय संविधान भाग 3 में ही तो आता है ना मूल अधिकार, भाग 1 में क्या मैंने बताया था, भाग 1 में क्या है, भाग 1 में बताएं आर्टिकल किसने, अनुच्छेद आपका 1 से लेकर 4 तक वो भाग 1 है, फिर भाग 2 कौन है, भाग 2, अनुच्छेद कितना 5 से लेकर 11 तक की भाग 2 है, फिर भाग 3 क्या है, भाग 3 ये आपका क्या है 12 से लेकर 35 तक की भाग 3 है, जिसमें आपका क्या मूल अधिकार आते हैं। तो ये जो है जिस सारे मूल अधिकार जो आर्टिकल हैं जो अनुच्छेद हैं उनको हम देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाग 3, तो भैया भाग 3 में जो आपको मूल अधिकार दिए हैं, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अधिकारों के जो प्रकार हैं, कितने कितने अधिकार आपको मूल अधिकार वो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है भैया हेडिंग अपनी क्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में, के भाग 3 में अधिकारों के जितने प्रकार हैं, मतलब मूल अधिकारों के, फंडामेंटल राइट, अधिकारों के प्रकार,
के प्रकार, ये देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, सबसे पहला जो है वो आपको क्या मिलता है, वैधानिक अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? वैधानिक अधिकार। क्या मिलता है आपको? वैधानिक अधिकार का मतलब आप समझिएगा, अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या मिलता है, आर्टिकल 14 में ये डिस्कस किया गया, अनुच्छेद 14 में क्या मिलता है भैया? वैधानिक अधिकार। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अभी घबराइएगा मत, मैं सब बता रहा हूं इसका क्या मतलब है। विधि, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये क्या है मैं अभी क्लियर कर रहा हूं आपको, एकदम से घबराइए मत, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। क्या बोलते हैं? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ये क्या है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, देखते हैं। देखिए, इसका साफ साफ अर्थ निकल रहा है कि जो लॉ है, जो कानून है, उसके सामने सब लोग समान है। मैं बार बार पढ़ाते हुए बता रहा था आपको, जैसे आप ये मानिए कि कोई ये अंबानी यहां है, ये कोई गरीब व्यक्ति है, ये कोई उससे भी गरीब है, ये उससे भी अमीर कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कानून इनके लिए अलग हो गया, ये अमीर के लिए, गरीब के लिए अलग हो गया, इससे गरीब के लिए अलग हो गया, उससे अमीर के लिए सब अलग होगा। मतलब अगर ये कोई क्राइम करता है तो इसको सजा नहीं मिलेगी, ये गरीब वालों को मिलेगी, इसको और मिलेगी सजा, या फिर इसको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अमीर गरीब कुछ नहीं देखता, पद प्रतिष्ठा हैसियत, यानी कि कोई भी पोस्ट हो, आप किसी भी हैसियत वाले व्यक्ति हो, आपको यहां पर हमारा जो कानून है उसमें कोई भी छूट नहीं मिलती। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, हर नागरिक कानून के समक्ष, कानून के सामने क्या होगा? समान होगा। कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव, पद प्रतिष्ठा हैसियत यहां काम नहीं आएगी। तो भैया कोई पोस्ट वगैरह यहां काम नहीं आती, यही है इसका मतलब। क्या है यहां आर्टिकल 14 में सीधा सीधा कहा गया है, क्या भैया? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता, सब समान है, कोई ऊंच नीच यहां पर मामला नहीं है। तो भैया क्या है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है यहां पर? प्रत्येक व्यक्ति, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति विधि यानी कानून, विधि के समक्ष, उसके सामने, समक्ष इन फ्रंट ऑफ लॉ, समक्ष समान होगा, समान होगा, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक है। तो ये शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। तो अब ये जो है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा, ये विचार कहां से लिया गया? ये विचार हमने कहां से लिया है? ये जो थिंकिंग है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश लॉ से लिया है, कहां? ब्रिटेन के कानून से ये लिया है। ये जो है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा, ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश लॉ से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटिश कानून से लिया है, ठीक है। कहां से लिया है? ब्रिटिश कानून, ठीक है। मैंने कहा था ना कि हमने अपने मूल अधिकार में कुछ बातें कहीं इधर से ली है, किस कंट्री से ली है, कुछ कनाडा से ली है, कुछ आयरलैंड से ली है, ये मैंने बताया था ना शुरुआत में। तो ये जो मूल अधिकार है, ये कहां से है? ये पहला वाला, प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन का कानून सा, वहां से हमने यहां पर उठाया है। अब यहां पे और क्या कहा गया है? यहां पर कहा गया है कि व्यक्ति की, क्या कहा गया है? व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा, मतलब क्या है? कुछ भी हो, कोई भी हो, सभी के लिए समान कानून होंगे। मतलब कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी पद आपकी हो, प्रतिष्ठा हो, किसी भी पोस्ट पे हो आप, ठीक है, हैसियत कुछ भी रखते हो, अंबानी हो, कोई मतलब नहीं भैया, यहां कानून के लिए सब समान है, हैसियत हो, सब समान है, सब समान है। बात को समझिएगा, ये जो मैं बोलता हूं कोई भी हो, पद प्रतिष्ठा हैसियत, अब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसे आप एक लैंग्वेज में, आप अपनी भाषा में सेंटेंस बनाकर लिखा करें, ठीक है, इसको एज इट इज मत। अभी मैं इसको जैसा होगा कि मैं आपको लिखवाना शुरू कर दूं बोलकर कि अब ठीक है मैंने समझा लिया, अब बोलकर लिखवाता हूं, थोड़ा समय इसमें समय जाएगा। अब मैं यहां समझा दिया, आपको क्या करना है? आपको अपने नोट्स में क्या करना है? नोट डाउन करना है चीजें, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, इतना तो कर लोगे। अच्छा, जो लोग ये कर लेंगे, जो लोग ऐसे एज इट इज नहीं बताते, जो लोग सही से नोट करते हैं, तो यकीन मानिए यहीं से आपके आंसर राइटिंग, जो उत्तर लिखने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाती है, ठीक है। आंसर राइटिंग की जो स्किल है वो यहीं से डेवलप होगी, आपके नोट्स बना, मैं बार बार कहता हूँ, नोट्स अगर आप खुद से तैयार कर रहे हैं तो यकीन मानिए यहीं से आपकी क्या तैयारी शुरू हो जाती है, आपकी लिखने की, जो मेंस के आंसर के लिखने की तैयारी यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है।
कोई भी हो, पद प्रतिष्ठा हैसियत ये सब समान, मतलब विधि के सामने सबके लिए समान, हर कोई समान होगा, कोई ऊंच नीच वाला भाव नहीं होगा, समझ गए। तो यहां पर क्या है, ये सारी चीजें यहां पर आती हैं। अब देखिए कोई भी हो आप, मैं तो बता दिया कि कोई भी हो पद प्रतिष्ठा हैसियत तो काम नहीं आएगी। अब ये देखिए आम व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी क्या है, ये विधि समान होगी। मतलब क्या कि ऐसा नहीं है, ये तो अंबानी वाला मैंने आपको बताया कि अंबानी और अमीर गरीब का बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई आईएएस है या फिर कोई कोई भी है और ये आम व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रशासनिक अधिकारी के लिए वो अधिकारी है तो इसके लिए छूट मिलेगी आपको, नहीं। यहां भी क्या है, कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी जो रूल रेगुलेशन है वो समान होंगे, ये यहाँ आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपने समझ लिया ना, समझ लिया। इसीलिए क्या है, ये जो विधि मतलब कोई भी जहां प्रशासनिक अधिकारी भी होगा और आप हैं, इनके लिए भी समान है। इसीलिए क्या कहा गया है कि विधि की सर्वोच्चता है, क्या है यहां पर जो रूल्स रेगुलेशन है वो सुप्रीम है, क्या है रूल्स रेगुलेशन सुप्रीम है, विधि की सर्वोच्चता है, इसीलिए यहां पर कहा गया है। क्या कहा गया है, ये सब होते हुए ये सब जो हो रहा है यही निकल कर सामने आता है, इसका अर्थ कि यहां पर भारत में क्या है, इसीलिए विधि की सर्वोच्चता है, ठीक है। तो क्या है भैया, इसीलिए ये क्या है, इसलिए यहां पर क्या है, भारत में क्या है, यहां पर विधि की सर्वोच्चता है, विधि की सर्वोच्चता है, बात को समझ रहे हैं, जो लॉ है वो सुप्रीम है यहां पर, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो हमने क्या देखा, पहला वैधानिक विधि के समक्ष समानता का अधिकार, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये है पहला, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला यही है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, सभी समान है, ये पहला हो गया। नोट डाउन कर ले, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं, नोट डाउन करते चले, नोट डाउन करते चले। चलिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार तो हमने यहां देख लिया, और क्या दिया गया है यहां पर आर्टिकल में इस 14 में, और क्या ये हम फंडा मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, अब यहां हम एंटर कर चुके हैं। दूसरा आपका दिया गया है कि विधि का समान संरक्षण, बात को समझिएगा, क्या दिया गया है, दूसरा विधि का समान संरक्षण, मतलब क्या है इसका, बताएगा कोई, विधि का समान संरक्षण इसका मतलब क्या है, किसी को मालूम है इसका मतलब क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या मतलब है इसका, किसी को मालूम है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चलिए अब देखते हैं विधि का समान संरक्षण इसका मतलब क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए अभी शुरुआत में अभी मैं बताता हूं, ब्रीफ करता हूं इसका अर्थ क्या है, लेकिन शुरुआत में आप ये समझिए कि ये जो विचार है विधि का समान संरक्षण, ये जो विचार है ये कहां से लिया गया है, ये विचार हमने अमेरिका से लिया है, कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है, अमेरिका से। मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि हमने कई देशों से क्या लिया है, अपने संविधान में वहां, मतलब कई देशों के संविधान जो थे, अलग अलग संविधान अलग अलग देशों में है ना, तो वहां से कुछ अच्छी अच्छी बातें हमने अपने संविधान में उठाई हैं। तो ये वाला विचार विधि का समान संरक्षण हमने अमेरिका से उठाया है, कहां से, अमेरिका से उठाया। अब ये समझिए कि इसका मतलब क्या है, देखिए समान संरक्षण का जो अर्थ है वो आप ये समझिए कि समान के वंचित लोगों के संरक्षण से इसका मतलब है, बात को समझिएगा, क्या है, समाज के वंचित लोगों के संरक्षण, बात को समझिएगा, से है इसका मतलब, बात को, ये जो वंचित लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, बात को समझिएगा, अभी मैं बताता हूं, ये जो मेन सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में जो लोग नहीं आ पाए हैं, यानी कि जैसे आप मान के जो ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसे जाति से आते हैं, कुछ ऐसे समुदाय से आते हैं, कुछ ऐसे बात को समझिए कि जो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए, ठीक है, वंचित लोग हो गए, जैसे आपका जो SC ST कैटेगरी हो गई, ये सब क्या है, ये लोग क्या है, ये लोग वंचित वर्ग है ना, वंचित लोग है ना, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, ये जो विधि का समान संरक्षण जो है वो समाज के वंचित लोगों के लिए यहां पर क्या है,
संरक्षण देता है, उनको प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। आप कैसा प्रोटेक्शन देता है वो मैं आपको बताता हूं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये विधि का समान संरक्षण। बात को समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, एक बार बताएं कि इसका अर्थ समझ पा रहे हैं कि विधि का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब समाज के वंचित लोग, जो वंचित वर्ग के लोग जो समाज की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए उनको प्रोटेक्शन देता है ये कानून। अब ये कैसे प्रोटेक्शन देता है वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो समाज के वंचित वर्ग है उनको क्या है, उनके लिए कुछ अलग कानून बनाया गया। क्या है? इनके लिए कुछ अलग कानून बनाया गया। किसके लिए? ये जो वंचित वर्ग है, जो पृथक, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए। अब ये वंचित वर्ग कौन है मैंने बताया, अभी और बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि होते कौन है ये लोग। ठीक है, तो क्या है भैया, इनके लिए क्या है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं इनके लिए क्या किया गया, वंचित वर्ग के लिए पृथक कानून बनाया गया। पृथक कानून बनाया गया, बनाएगा। अब बताओ ये पृथक कानून का मतलब समझ रहे आप? कमेंट सेक्शन में बताएं एक बार, किसी को समझ में आ रहा है पृथक कानून का मतलब? मतलब जो कानून सबके लिए है उससे हटकर क्या है, पृथक कानून, पृथक विधि बनाई गई, उससे हटकर दूसरी विधि इनके लिए बनाई गई। मतलब जो विधि है उनमें इनको कुछ प्रकार से क्या है, इनको छूट मिली, कुछ प्रकार से इनको क्या मिली, इनके लिए अलग कानून बनाया गया। ठीक है, तो क्या है, पृथक कानून, अलग कानून, अलग विधि। ठीक है, अलग विधि, पृथक कानून मतलब क्या है कि इनसे हटकर कुछ एक्स्ट्रा जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इनमें कुछ छूट दी। अभी मैं आपको, जब आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगी चीजें आपको। तो क्या है, इनके लिए कुछ अलग, वंचित वर्ग यानी मेन स्ट्रीम में जो नहीं थे उनके लिए अलग कानून बनाया गया। ठीक है, तो विधि का समान संरक्षण अभी बताता हूं। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है कि इनके लिए क्या है, अलग क्या बनाया गया, कानून बनाया गया। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, ये जो मैटर है विधि का समान संरक्षण, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा? चलिए देखिए, ये जो समानता का यहां पर जो अर्थ लिया गया, पृथक कानून मतलब अलग विधि इनको बनाएगी, इसका मतलब समझिएगा। देखिए, इसका ये मतलब है कि देखिए, समानता का सकारात्मक अर्थ यहां पर लिया गया। बात को समझिएगा जो मैं अभी समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कहने का मतलब है समान परिस्थितियों में यहां पर समान व्यवहार होगा और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार होगा। बात को समझिएगा, इसका क्या मतलब है, मतलब आप ये ऐसे समझिए कि कोई गरीब व्यक्ति है, एक मिनट में इसको इरेज करता हूं, एक बार नोट डाउन कर ले, उसके बाद मैं इसको समझाता हूं और इसको ब्रीफ करके। पृथक कानून बनाया गया, ठीक है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार होगा। किससे? लोगों से। अभी मैं बताता हूं इसका मतलब। समानता का सकारात्मक अर्थ यहां पर क्या बदल लिया गया, समानता का सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जो मीनिंग है इक्वालिटी की, वो यहां क्या लिखे, सकारात्मक अर्थ का मतलब यहां क्या कहा गया, समान परिस्थितियों में, अभी मैं बताता हूं प्लीज घबराइएगा मत, परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा, समान व्यवहार होगा, ठीक है, और असमान परिस्थितियों में, असमान परिस्थितियों में, परिस्थितियों में असमान व्यवहार होगा, समान व्यवहार होगा। बात को समझिए, व्यवहार होगा, बात को समझिए, ये इसका क्या मतलब है। देखिए, कह रहा है कि समान परिस्थितियों मतलब कि ये समझिए कि कोई ग्रुप है ना, जहां पे सभी लोग रहते हैं, एक समाज है यहां सभी लोग रहते हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, जो हर प्रकार से हर क्षेत्र में आगे निकल गए, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसी समाज में क्या है, पिछड़े रह गए, है ना, पिछड़े रह गए। तो क्या है, ये समानता तो सब, यहां पर कानून तो कहता है सब समान है, सब लोग समान है, किसी विधि जो कानून है वो सबके लिए क्या है, एक साथ सभी के लिए समान लागू होगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है ना हमारा कानून। लेकिन लेकिन ये भी कहा गया कि जो लोग पिछड़े रह गए, यानी कि कुछ लोग आगे निकल गए और कुछ किन्हीं कारणों बस पीछे रह गए, समाज की मुख्य धारा से नहीं आ पाए, मेन स्ट्रीम से सोसाइटी के नहीं जुड़ पाए, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है, कुछ विशेष प्रावधान किया गया, कुछ विशेष क्या प्रोविजन किया गया। तो क्या है, कहने का मतलब है समान व्यवहार
मतलब समान परिस्थितियों, मतलब क्या है कि अगर आप आगे निकल गए हैं, आप समाज में आगे निकल गए हैं, आप तो आप पर वही कानून लागू होगा जो सब पर लागू हो रहा है, लेकिन कुछ लोग पिछड़े रह गए किन्हीं कारणों बस, समान की समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए, तो उनको क्या है उनको विशेष छूट कुछ दी जाएगी। क्या है इनको असमान व्यवहार का क्या मतलब है? असमान व्यवहार मतलब असमान मतलब असमान परिस्थिति का क्या मतलब है? वो पीछे रह गए, वो लोग पीछे रह गए ना, तो इनको जो पीछे रह गए उनको उनके साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। असमान व्यवहार का मतलब यहां है ये है कि उनको कुछ छूट दी जाएगी। क्या है मतलब असमान व्यवहार? मतलब क्या सभी की तरह उनको व्यवहार नहीं किया जाएगा, उनको क्या है उनको छूट दी जाएगी। अब इस तरह से समझिएगा, कुछ लोग एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। कुछ एससी एसटी वर्ग के लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होते हैं, मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं ना, तो ये लोग जो है ये लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए है ना, तो इनको क्या है इनको रिजर्वेशन आरक्षण वगैरह दिया जाता है ना, सभी को नहीं दिया जाता है लेकिन इनको दिया जाता है ना। ऐसे ओबीसी वाले लोग हो गए, अदर बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग जो हो गया, इनको क्या है इनको भी थोड़ा बहुत छूट दिया जाता है, लेकिन उतना नहीं दिया जाता है जितना किसको मिलता है एससी एसटी लोगों को मिलता है, उतना नहीं मिलता। तो ये क्या है ये असमान परिस्थितियां थी इन लोगों के लिए ना, तो असमान परिस्थितियां थी तो इनके साथ असमान व्यवहार भी किया जा रहा है, मतलब इनको छूट दिया जा रहा है यहां पर। ठीक है, यही अर्थ है कि समानता का यहां पर सकारात्मक अर्थ निकाला गया। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ लोगों के साथ यहां पर छूट देकर तो वो कर दिया जा रहा है क्या, मतलब समानता का जो रूल है उसे तोड़ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये इक्वल सभी के लिए है रूल्स, लेकिन जो लोग पिछड़े रह गए जो लोग पिछड़े हो गए उनको यहाँ पर जो हमारा कानून है वो कुछ प्रकार का छूट देता है, कुछ प्रकार का ऐसे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखता है। तो क्या है इसलिए क्या है समानता में भेदभाव क्या है हो सकता है, इसका क्या मतलब है समानता में क्या है समानता में भैया क्या हो सकता है समानता में भेदभाव हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। बात को समझ रहे हैं ना, यानी कि इक्वेलिटी जरूर होगी लेकिन इक्वेलिटी में भी क्या है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है, समझ रहे हैं समानता में भेदभाव हो सकता है। बात को समझिएगा, वही क्या अर्थ निकालिए कि किसी को रिजर्वेशन दे दिया जाता है, किसी को कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे एरिया से आते हैं ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर उनकी हाइट कम होती है ना, तो उनको कहीं कहीं नौकरियों में उनकी हाइट में छूट दे दी जाती है। अभी आगे पढ़ेंगे आप ये सब, ठीक है। तो क्या है ये समानता तो है लेकिन उनके साथ ऐसा हो रहा है, वहां परिस्थितियां ही ऐसी हैं तो उन्हें छूट दे दिया जाता है, तो यानी भेदभाव किया जा रहा है उनके और लोगों की अपेक्षा उनके साथ क्या है और लोगों की अपेक्षा भेदभाव, मतलब ये कहेंगे कि जो एससी एसटी के लोग हैं और एक सामान्य वर्ग के का व्यक्ति है, तो सामान्य वर्ग वाला कहेगा कि यार मेरे साथ भेदभाव हो रहा है उन्हें छूट दी जा रही है, तो ये तो है। तो जो कानून ये कहता है कि समानता यहां पर क्या है समानता में क्या है भेदभाव किया जा सकता है, क्यों क्योंकि वो लोग पीछे रह गए। तो क्लियर कट बातें कि कानून साफ साफ कहता है कि भैया भेदभाव किया जा सकता है बशर्ते जो भेदभाव है वो उचित होना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्या है मतलब तार्किक होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए, कुछ रीजन उसके पीछे होना चाहिए। क्या है समानता के में भेदभाव हो सकता है क्या बशर्ते क्या है बशर्ते भेदभाव का जो बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए उचित होना चाहिए तार्किक होना चाहिए, बशर्ते भेदभाव क्या होना चाहिए भेदभाव तार्किक होना चाहिए, ये लिख लीजिएगा प्लीज, समय यहां पर स्पेस नहीं है, तार्किक होना चाहिए, यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है सारी चीजें प्लीज यहाँ पर नोट डाउन करने, समानता में भेदभाव हो सकता है, जो रिजर्वेशन वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। तो इक्वेलिटी में क्या है इक्वेलिटी में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है बशर्ते वो जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उसका जो बेस है वो क्या होना चाहिए वो तार्किक होना चाहिए, उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजन होना चाहिए। क्या रीजन, जैसे मैंने एग्जांपल देकर बताया कि एससी एसटी वाले लोग पीछे रह गए तो उन्हें रिजर्वेशन दिया गया, तो ये सब क्या है ये तार्किक मामला है ना, वाकई में वो लोग पीछे रह गए और लोग आगे निकल गए तो इसी वजह से उनको क्या है वो समाज की मुख्यधारा में नहीं आ सके किन कारणवश, तो ये इसी वजह से इनको क्या किया गया ये सारी चीजें संरक्षण दिया गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, चलिए समझ में आ गई चीजें, आपको समझ में आ गई, नोट डाउन कर लिया आपने, चलिए अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये समानता में भेदभाव हो सकता है ना, ये बताया तो ये जो भेदभाव है
मैंने ये भी कहा कि बशर्ते ये जो भेदभाव वो तार्किक होना चाहिए, उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए। यानी कि किसी को आप छूट दे रहे हो तो उस छूट के पीछे क्या होना चाहिए, जो भेदभाव कर रहे हो उसके पीछे क्या होना चाहिए, उसके पीछे रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। वो क्या कारण होने चाहिए भेदभाव करते वक्त, मतलब भेदभाव कर रहे हो तो क्या कारण होने चाहिए उसके पीछे, वो अब हम देखते हैं कि भेदभाव का आधार क्या होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर ले प्लीज। भेदभाव का आधार क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है भैया यहां पर भेदभाव का आधार क्या होना चाहिए, ये हम देखते हैं। ठीक है, भेदभाव का आधार क्या होना चाहिए। अच्छा, आधार मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, या मतलब जैसे आम जो सामान्य एग्जाम्पल देकर बोल रहा हूं, या ऐसा व्यक्ति जो एक सामान्य वर्ग से है, मतलब जो समाज की मुख्यधारा में जुड़ चुका है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आ गया है, और एक व्यक्ति जो है जो समाज की मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाया है, मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाया है, तो इन दोनों के बीच जो भेदभाव किया जा रहा है इससे, उसके आधार क्या होना चाहिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का बेस क्या होना चाहिए, बेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का वो भेदभाव का आधार क्या होना चाहिए, ये हम देखते हैं। चलिए, अब आधार की जब भी हम बात करते हैं तो और क्या क्या हो सकता है आपके मन में आ रहा है, क्या ये चीजें, जैसे मैंने एक बताया कि आरक्षण वगैरह आपको बता दिया, कि इसका भी बताया, तो और क्या होना चाहिए, तो प्लीज एक बार बताएं अगर किसी को मालूम हो। देखिए, भेदभाव का आधार जो है वह सबसे पहले भौगोलिक रूप में होना चाहिए, यानी कि क्या है, ज्योग्राफिकल रूप में भेदभाव का आधार हो सकता है। कैसे, क्या है, भौगोलिक रूप में भेदभाव किया जा सकता है, में भेदभाव। अब ये क्या है मैं बताता हूं, भेदभाव किया जा सकता है भौगोलिक रूप का क्या मतलब है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर क्या है, लोगों की जो हाइट है, लोगों की क्या जो कद है वो क्या होती है, सामान्यतः छोटी होती है ना, छोटी होती है। तो अब सैनिक भर्ती जब होती है, या सैनिक अर्धबल सैनिकों की जो भर्ती होती है, तो उसमें हाइट तो ठीक ठाक मांगी जाती है, तो ऐसे में क्या है, जो पूर्वोत्तर राज्य के वाले लोग हैं उनकी हाइट तो पहले से कम होती है, मतलब वहां तो हाइट कम ही होती है, तो अब वो क्या है, वो इस भर्ती में तो भाग नहीं ले पाएंगे ना उस आधार पर, तो क्योंकि एक हाइट तो एक पैमाना तो मांगा जाता है कि इतना होना चाहिए, और उन लोगों की हाइट कम होती है, तो ऐसे में तो ये क्या है, वो लोग भाग ही नहीं ले पाएंगे, वो लोग अर्धसैनिक बलों में क्या हिस्सा, मतलब वहां पर वो जॉब ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, यहाँ पर भौगोलिक आधार पर, मतलब पूर्वोत्तर राज्य में क्या है, अर्धसैनिक बलों में जो भर्ती होती है उनकी कद काठी में के आधार पर उनको छूट दी जाती है। तो ये क्या है, भौगोलिक आधार पर, तो समझ रहे ना, भौगोलिक आधार पर कैसे, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में सैनिक या फिर अर्धसैनिक बलों की भर्ती में, अर्धसैनिक बलों की भर्ती में, ठीक है, जो वैकेंसी निकल उनमें क्या है, भर्ती में उन्हें कद काठी में क्या होनी चाहिए, कद में छूट दी जाती है। तो ये क्या है, ये एक भेदभाव का आधार क्या होना चाहिए, ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, यानी कि भौगोलिक भी हो सकता है। ठीक है, अब और क्या हो सकता है भेदभाव का आधार, यानी कि अच्छा अब इसका मतलब समझ रहे हैं ना, कद काठी, यानी कि और जो, जैसे हम नॉर्थ इंडिया से आते हैं, अब लोग कहीं यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, हमारा मतलब आप इस रीजन से, अगर नॉर्थ इंडिया की बात, बिहार से है कोई, तो ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है आपका, इसमें क्या है, इसमें तो जो हाइट है वो तो सामान्य जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो वैकेंसी निकलेगी उसके हिसाब से वही हाइट आपको होगी तो ही आप भर्ती पाओगे, लेकिन उनको क्या है, उनको छूट दे दी जा रही है, उनकी कम भी होगी तो हो जाएगी। तो क्या है, यहाँ पर ये वाला नहीं कह सकता, हमारे इधर नॉर्थ वाले राज्य वाले लोग ये नहीं कह सकते कि यार वहां पर जो उनके साथ हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है उन्हें छूट दी जा रही है, नहीं, क्यों, क्योंकि भैया ये भेदभाव का आधार ये हो सकता है। समझ रहे, क्लियर हो गए, अगर क्लियर हो रही बातें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज ये बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए, अब ये जो भेदभाव का आधार और क्या हो सकता है, एक तो भौगोलिक रूप में, दूसरा क्या हो सकता है,
दूसरा आप ये कह सकते हैं व्यवसाय के आधार पर, ऑक्यूपेशन जो है उसके आधार पर भी क्या है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। क्या है भैया दूसरा आपका? व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, आधार पर क्या भेदभाव किया जा सकता है, आधार पर क्या है भेदभाव हो सकता है क्या? जैसे जैसे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से, जैसे आप जो सेना वाले लोग हैं, सैनिक कर्मी जो है, उनको क्या है शराब में क्या होती है छूट दी जाती है, निशुल्क शराब दी जाती है उनको, दिया जाता है ना। तो आप लोग कहेंगे कि यार देश कहेगा कि हमको भी निशुल्क शराब दो, यानी फ्री में जो है वो क्या शराब दो, तो क्या है ये सभी को नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि भैया वो सैनिकों, सैनिक कर्मी जो है उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है फ्री में क्या है शराब। तो ये क्या है, ये व्यवसाय है उनका, क्या है सैनिक है वो, वहां पर उनको छूट दी जाती है, वहां पर फ्री में चीजें। तो ये व्यवसाय के आधार पर, जैसे क्या है सैनिकों को क्या कह सकते हैं आप, सैनिकों को मुफ्त क्या दी जाती है, मुफ्त शराब, ये क्या है शराब देना, ये क्या है, ये है व्यवसाय के आधार पर छूट। ठीक है, यहां पर भेदभाव किया जा रहा है। अब पूरा देश क्या है मांगने लगे कि हाँ नहीं भैया हमको भी दो मुफ्त में, तो नहीं, क्यों? क्योंकि भैया यहां पर क्या है सैनिकों को। अब ये व्यवसाय के आधार पर और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या, और क्या क्या आधार हो सकता है भेदभाव का, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और क्या क्या हो सकता है। देखिए अच्छा चीजें समझ में आ रही हैं आपको, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक का बटन दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर किया करें ताकि उन लोगों को भी चीजें समझ में आए। ठीक है, देखिए हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ओनली यूपीएससी का, इस पर आपको तो क्लासेस मिल रही है, लेकिन आपकी जैसे ये पॉलिटी की क्लास यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आपकी कौन सी क्लास देखने को मिल रही है, इकोनॉमी की क्लास अब आपको शुरू होने वाली इसी चैनल पर, और जैसे मान लेते हैं आपकी हिस्ट्री की शुरू होगी, ज्योग्राफी की शुरू होगी, तो ये जो क्लास हिस्ट्री या ज्योग्राफी की शुरू होगी वो इस पर ना शुरू होकर किस पर शुरू हो सकती है, जो हमारा ये चैनल साइड में दिख रहा है आपको ओनली यूपीएससी का दूसरा चैनल शुभम मिश्रा के नाम से, ये साइड में दिख रहा है, इस पर शुरू हो सकती है। इसको भी आप सब्सक्राइब कर ले, चैनल की जो लिंक है इस शुभम मिश्रा वाले, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाइए वहां पर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहती है, जैसे टॉपर्स के नोट्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं, आप नोट्स कैसे बनाए, आंसर राइटिंग कैसे करें, ये सारी चीज यहाँ पर डिस्कस की जाती है। तो एक बार जाकर सब्सक्राइब करें, आपको जल्द ही यहाँ पर एक वीडियो देखने को मिलेगी न्यूज़पेपर वगैरह से रिलेटेड कि कैसे किस हिसाब से काम किया जाता है यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको शेड्यूल सिलेबस कैसे आपको मैनेज करना, सारे मैनेजमेंट का काम यहाँ पर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो भाई इसको सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अपन लोग देख रहे हैं ये भेदभाव का आधार क्या क्या देखा हमने, भौगोलिक रूप, ज्योग्राफिकल जो बेस है वो भी बनाकर किसी के साथ भेदभाव का आधार बन सकता है। और क्या देखा हमने, हमने देखा कि जो व्यवसाय के आधार पर, ऑक्यूपेशन के ब्याह पर भी क्या है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सारी चीजें की जा सकती है, और क्या हो सकता है, देखिए सामाजिक में, समाज में वंचित वर्ग जो है, यानी सामाजिक वंचित स्थिति के आधार पर भी यहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है। क्या है भैया, क्या है थर्ड, आप ये कह सकते हैं सामाजिक वंचित स्थिति के आधार पर, के आधार पर मतलब क्या, मतलब जो वही मैंने शुरुआत में बताया ना, जो वंचित वर्ग है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाए, है ना, मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाए, किसके सोसाइटी के, समाज के मुख्य धारा में नहीं पाए, तो उनको क्या है, उनको भी क्या है कुछ छूट दी जा सकती है, भेदभाव का आधार ये भी हो सकता है। भेदभाव का आधार का इस, ये जो वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप ना, सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो अंतिम से अंतिम जो बच्चा मेरी क्लास कर रहा है वो भी इस वर्ड को समझ पाए, तभी ये सिद्ध होगा, ये जो हमारा मोटो है वो तभी यहाँ पर जाके हम सक्सेस होंगे, जब आप हर एक बच्चा जो गरीब से गरीब और ये बहुत कमजोर बच्चा भी चीजों को समझ पाएगा, तभी हमारा टारगेट जो है वो अचीव होगा। तो क्या है ये आप समझ रहे हैं ना, क्या मतलब है भेदभाव का आधार, मतलब वही मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये व्यक्ति क्या है, कि यही कि आप ये कह सकते हैं कि जो एक जो समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुका है, जो पहले अमीर हो चुका है, मान ले एक एग्जांपल दे रहा हूं, अमीर हो चुका है, कुछ लोग अमीर नहीं हो पाए, एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहां भेदभाव किया जा सकता है। कैसे, कोई अमीर हो चुका है और कोई अमीर नहीं हुआ है,
गरीब है कोई, तो ये भी भेदभाव का आधार हो सकता है, हो सकता है ना। कैसे, एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, जैसे सरकार ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सरकार लेकर आई ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, है ना, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के लिए। कौन, जैसे क्या है जो गरीब है यानी कि जिनकी आय 8 लाख सालाना से कम है, वो इसका लाभ उठा सकते हैं, इस आरक्षण, इस रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है ना कि यहाँ पर लोग कह सकते हैं ना इनको क्यों दे दिया यार, तो दिया क्यों दिया, ये भेदभाव का आधार है क्योंकि वो गरीब है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, तो ये सब, अब ये क्या है, सामाजिक वंचित स्थिति के आधार पर, मतलब क्या, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको भी क्या है, भेदभाव का आधार ये भी हो सकता है। जैसे कि क्या है, SC ST को रिजर्वेशन देना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को क्या देना, रिजर्वेशन देना, आरक्षण देना, OBC को भी आरक्षण देना, और ऐसे क्या है EWS वाला भी हो गया, इसी में आ जाएगा क्या, ये वो लोग गरीब रह गए, है ना, इसीलिए तो सरकार लेकर आई EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो क्या भैया, ये सारी चीजें ये क्या है, वंचित स्थिति के आधार पर समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी भेदभाव का आधार है, डिस्क्रिमिनेशन का बेस है, इस आधार पर क्या है, भेदभाव किया जा सकता है। क्लियर कट बात, समझ में आ रही चीज, जो एक बार आप समझ में आ रही तो प्लीज एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब क्या देखते हैं, ये तो विधि का समान संरक्षण हमने देख लिया, ठीक है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम देख रहे थे सारी चीजें, ठीक है। अब देखते हैं क्या अगला, इसी पर क्या देखते हैं, इसी पर और, अच्छा समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और क्लासेस पूरा किया करें, क्लासेस आप सभी पूरा किया करें। चलिए अब विधि के समक्ष समानता का जो अपवाद हो सकता है वो हम देखते हैं, क्या मतलब है इसका, अभी बात समझते हैं क्या है, विधि के समक्ष समानता का अपवाद, ये क्या मतलब है इसका, अभी देखते हैं, ठीक है। विधि के समक्ष समानता का अपवाद क्या है, एक्सेप्शन टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ, क्या मतलब है इसका, क्या है एक्सेप्शन टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ, क्या मतलब है इसका, देखिए विधि के समक्ष समानता का अपवाद, विधि के समक्ष समानता का अपवाद, अब इसका मतलब क्या है, देखिए कहा गया क्या, कहा यह गया कि सभी समान होंगे, सभी क्या होंगे, सभी समान होंगे, सभी पर समान कानून लागू होगा, ये सारी चीजें कहीं कही गई ना, कि कोई भी ये अंबानी हो गया और ये आप हैं, अगर आपने भी कोई कानून तोड़ा और इसने भी अंबानी ने भी कोई कानून तोड़ा तो दोनों पर क्या है सेम रूल लागू होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं है ना, एक तो ये कहा गया, लेकिन ये जो रूल है इनमें कुछ अपवाद भी हैं, इनमें क्या है कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इसको कुछ लोगों के लिए इसमें छूट मिली हुई है, किन लोगों के लिए मिली है, यही हम देखते हैं कि विधि के समक्ष समानता का अपवाद भी है, यानी कि सभी कानून के लिए सभी समान है ऐसा कुछ अपवाद है कि कुछ लोग नहीं भी हैं, ठीक है, अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है, वो क्या एक्सेप्शन है क्या अपवाद है वो अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए ना इसका मतलब क्या, विधि के समक्ष समानता का अपवाद का मतलब क्या है। चलिए अब देखिए संविधान में साफ साफ जिक्र किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 361 में यह साफ साफ जिक्र किया गया है, क्या जिक्र किया गया भैया, कि जो आपके राज्यपाल हैं यानी गवर्नर ऑफ द स्टेट, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन पर क्या है, उन पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जाएगा। क्लियर कट बातें लिखी गई हैं अनुच्छेद 361 में। तो क्या है ये, अभी पहले मैं आपको नोट डाउन करके बताता हूं। देखिए जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति पर आपका क्या है, ये राष्ट्रपति पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जाएगा, नहीं चलाया
जा सकता। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। यानी कि देखिए, ये जो राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, ये जब अपने पद पर रहते हैं, अपनी पोस्ट पर रहते हैं, उस दौरान ये जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करेंगे, उन कार्यों के लिए, उन कामों के लिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन पर इन्वेस्टिगेशन बैठा दी गई कि उस समय ये राज्यपाल थे, ये राष्ट्रपति थे और उस समय इन्होंने गलत काम किया, गलत जगहों पर सिग्नेचर किया। तो ये सब नहीं हो सकता भैया। वो जो राज्यपाल हैं उस समय के, उस टाइम आप राष्ट्रपति हैं, उनके जो काम हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, उन पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं चलाया जाएगा, बशर्ते वो गलत ही क्यों ना निकले भविष्य में। लेकिन क्या है, साफ क्लियर लिखा गया है, साफ क्लियर कट बातें करी गई हैं। क्या भैया, कि इनके समय, इनको क्या है भैया, इनके कार्यों के लिए क्या है, इनके कार्यों के लिए, कार्यों के लिए कोई भी क्या है, कोई भी जो आपका आपराधिक मामला है, वो क्या भैया, आपराधिक मामला, मामला वही ऊपर वाला नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर साफ साफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 है, वो यहाँ पर प्रोविजन करता है। क्या भैया, 361 जो आर्टिकल है, वो इसका प्रोविजन करता है, इसका प्रावधान करता है कि इन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा आपराधिक। तो ये क्या है, एक तो, एक और कहा क्या, क्या कहा गया, सभी क्या है, सभी समान है, सभी के लिए कानून समान है, लेकिन यहाँ पर अपवाद भी है। इनके लिए, ये राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इन पर क्या है, अपवाद है। मतलब क्या है, पद पर रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अपने पद पर रहते हुए क्या है, रहते हुए क्या है, रहते हुए इन पर कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं होगी, विधिक कार्रवाई, कार्रवाई नहीं होगी। बात को समझिएगा, समझ गया ना, वही चीज है जो मैंने आपको बताया। और ये आर्टिकल 361 में साफ साफ इसका जिक्र किया गया, 361 ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, इसका साफ साफ इसका उल्लेख है, जिक्र है, प्रोविजन है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। तो यहां पर दो पॉइंट हमने देखा कि पद पर रहते हुए ये सारी चीजें नहीं हो सकती उनके, और क्या है, और यहाँ पर राज्यपाल और मतलब वही चीज है, और इनको हिरासत में भी नहीं लिया जा सकता, ये सारी चीजें हैं। मतलब क्या है, ना ही आपराधिक मामला चलाया जाएगा, ना ही इनको क्या डिटेन किया जा सकता है, ना ही इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही इनको हिरासत में लिया जा सकता है। तो ये नोट डाउन कर ले, मैं यहाँ स्पेस कमी है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं, इसको नोट डाउन कर ले क्या, कि भैया इन पर कोई भी हिरासत में भी इनको नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा आप हट जाया करें, स्क्रीनशॉट लेना है नोट बनाने के लिए, तो ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं पॉज करके। हाँ, ये भी होता है कि कई बार नहीं दिखता, इसलिए मैं आपसे करूंगा कि एक बार डिस्कस करने के बाद आपको साइड में हो जाऊंगा और आप इसे नोट डाउन कर लिया करें। अब ऐसे तो आप पॉज कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ अट गया मैं पॉज कर ले, ठीक है। चलिए, तो भैया ये है क्या, इन पर कोई भी यहाँ पर विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, लीगल एक्शन इन पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब देखिए ये किस पे, ये आपराधिक मामले में है, ये क्या है, आपराधिक मामले में है। चलिए, अब यहां पे एक चीज और कही गई है, ये जो राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इन पर क्या है, इन पर आपराधिक मामला तो नहीं दायर किया जा सकता, आपराधिक मामला तो नहीं चलाया जा सकता, लेकिन लेकिन इन पर सिविल वाले मामले चलाए जा सकते हैं। क्या है, इन पर, यहां पर क्या गया है, इन दोनों पर क्या है, मतलब इन दोनों का मतलब वही समझिए, राज्यपाल और राज्यपाल, सॉरी राज्यपाल और राष्ट्रपति, इन दोनों पर सिविल मामले, सिविल मामले चलाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं, बशर्ते, यहां पर शर्त यह होनी चाहिए क्या, बशर्ते 2 महीने पहले इनको क्या है, इसकी जानकारी दे देनी चाहिए होगी, 2 महीने पहले, पहले इनको, मतलब इनको किसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, इनको इसकी जानकारी दे देनी चाहिए, इसकी जानकारी देनी होगी, जानकारी देनी होगी। मतलब क्या, कि इन पर सिविल मामले में मुकदमा चलाया जा रहा है, ये जानकारी इनको चलाने से 2 महीने पहले इनको दे देनी होगी कि भैया हम आप पर ये सिविल मामले पर मुकदमा चलाएंगे। अच्छा, अब ये सिविल मामला क्या है, सिविल मामला क्या है, किसी को मालूम है सिविल मामला क्या है, सिविल मामला, देखिए सिविल मामला अभी आप बस इतना समझिए कि जैसे संपत्ति से संबंधित मामला हो गया, कुछ चल रहा हो विवाद, या फिर अधिकार से संबंधित मामला हो गया ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और या फिर आप ये समझिए कि
जो किसी के राइट से रिलेटेड यानी अधिकार से रिलेटेड, तो क्या है भैया ये इतना समझिए, संपत्ति वंपत्ति वाला मामला हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका जो अधिकार से संबंधित मामला हो गया, इन मामलों पर क्या है, इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, बशर्ते उन्हें 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना होगा कि भैया हम आप पर साहब हम आप पर मुकदमा कार्रवाई करने वाले हैं सिविल मामले पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोविजन, अच्छा ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट में भी और यूपीएससी में जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विधि के समक्ष समानता का, ये सभी हम ये अभी आर्टिकल 14 को ही हम ब्रीफ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं पूरा अच्छे से, ताकि एक भी प्रश्न आपका कहीं से भी आ जाए तो छूटे ना, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, आ रही है समझ में। चलिए अब देखिए, ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का मामला हुआ, मतलब कानून इनके लिए थोड़ी इन्हें छूट देता है, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, और किस किस को छूट देता है, ये जो समानता कानून है सबके लिए समान तो है लेकिन कुछ लोगों के लिए छूट देता है, यही अपवाद है, यही एक्सेप्शन है, ठीक है। तो और किन किन को छूट देता है आप बताइए, है किसी को मालूम है कि, अच्छा ये जो मैं बातें जैसे ये 361 आर्टिकल 361 क्या है, ये कभी कभी स्टेट में सीधा पूछ लिया जाता है, आर्टिकल 361 क्या है, ये ट्रेंडिंग आर्टिकल्स हैं, ये ऐसे आर्टिकल अनुच्छेद है जो बार बार घूम फिर के आते रहते हैं, तो ये 361 क्या है, ऐसे आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल आपका 105, ये भी आर्टिकल अनुच्छेद 105, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब अगला देखते हैं कि क्या है, अगला देखते हैं कि और किन पर क्या है ये जो छूट मिलती है इनको, देखिए आपके, अच्छा और कौन से लोग हो गए, आपके जो संसद में बैठने वाले सांसद हो गए, यानी क्या एमपी जो हो गए, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हो गए, जो किसमें बैठते हैं आपकी संसद में जो बैठते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में जो एमपी बैठते हैं उनको भी क्या है, उनको भी उन पर भी किसी भी प्रकार की क्या है, किसी भी प्रकार की क्या है कार्रवाई नहीं की जा सकती, किस मामले में, जिस मामले, जैसे जैसे मैं आप एमपी हैं, आप सांसद हैं, है ना, आप सांसद, आप चुनकर आए, आप लोकसभा में बैठे हैं, वहां पर आपने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी बातें बोल दी जो वाकई में उस पर लीगल एक्शन हो सकता है, लेकिन आप क्या है, आप सांसद हैं और आप कहां बोल रहे हैं, आप संसद में बोल रहे हैं वो बातें, तो संसद में बोली गई बातों का जो सांसद बोल रहा होता है उन बातों पर किसी भी प्रकार का क्या है विधिक कार्रवाई उस पर नहीं की जा सकती, यानी कि उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, ये उन्हें छूट मिलती है। तो क्या है भैया, छूट मिलती है, ठीक है, तो क्या है ये, क्या है ये, उन पर छूट मिलती है, ठीक है, विधि के समक्ष समानता का बहुत ये है, क्या है भैया कि जो आपका क्या है, जो सांसद है, सांसद जो है वो संसद में क्या है, संसद में इनके द्वारा क्या है, इनके द्वारा किसी भी प्रकार के वक्तव्य पर या स्टेटमेंट अगर वो बोलते हैं तो क्या है, किसी भी प्रकार के, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के कथन पर, उनके किसी भी प्रकार के कथन पर उन पर वैधानिक कार्रवाई लीगल एक्शन उन पर, ये लीगल एक्शन है, ठीक है, लीगल एक्शन कार्रवाई नहीं की जा सकती, नहीं की जाएगी, ठीक है। तो क्या है, जो सांसद है, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्या है, वो आपके पार्लियामेंट में जो भी कुछ बोलते हैं वहां पर, अगर बाहर कहीं बोलते हैं इधर उधर तो वहां पर लीगल एक्शन हो सकता था, लेकिन कहां बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, तो उन्हें ये छूट होती है। क्या छूट होती है, कि भैया इन पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये क्या है, ये आर्टिकल आपका आपका संविधान के अनुच्छेद 105 जो मैंने अभी जिक्र किया, इसमें सीधा सीधा यह लिखा है, क्या है इनको छूट, ये क्या है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यहां आर्टिकल भी लग गया था, आपको बता दे रहा हूं कि ये सब आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, यहां पर क्या है, ये आर्टिकल किसमें दिया गया है, अनुच्छेद आर्टिकल आपका 105 में इसका जिक्र है, 105 में, ठीक है, अनुच्छेद 105 में इसका जिक्र है, ठीक है। तो
ये क्या है, विधि के समक्ष समानता का अपवाद है। यानी कि कानून के लिए सब, कानून के लिए सभी समान तो हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जो आपको सांसद महोदयों को मिले होते हैं, यानी कि आपके जो मेंबर आप पार्लियामेंट आपके हमारे हैं उनको मिले होते हैं। ठीक है, क्यों? तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए अब और किस किस को मिले होते हैं, ये आर्टिकल बहुत जरूरी है, सारे नोट डाउन करते रहे। अब 105 आपको यहीं से समझ में आ गया, ये हम लोग अपवाद पढ़ रहे थे और 105 हमने यहीं पढ़ लिया। अब 105 ये बहुत ट्रेंडिंग वाले आर्टिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका स्टेटमेंट के रूप में भी यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, और पेपर उठा के देखना 105 पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए चलिए अब और किस किस को छूट दी जा सकती है, दी जाती है और किस किस को छूट दी जाती है। देखिए आपके जो राजदूत हैं, ठीक है, विदेशी राजदूत, राजदूत जो भारत में क्या है, भारत में तैनात होते हैं, तैनात होते हैं, उन पर भी क्या है, उन पर भी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। बात को समझिएगा, जो राजदूत का मतलब क्या है, जैसे जो हमारे आईएफएस होते हैं, हाँ, फॉरेन सर्विस वाले जो हम आप सभी यूपीएससी एग्जामिनेशन को पास करेंगे, कई लोग इस पोस्ट को भी चुनेंगे। किस पोस्ट को? इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, विदेशी सेवा होती है। ठीक है, ये चुनते हैं कई लोग, तो उनकी नौकरी कहाँ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार होता है कि उनकी नौकरी क्या होती है, राजदूत के रूप में विदेशों में भेज दिए जाते हैं, है ना, वहां भारत का प्रतिनिधित्व, मान लेते हैं आपने अमेरिका आपको भेज दिया गया, तो आप वहां पर भारत के आप राजदूत होंगे, है ना, भारत के राजदूत होंगे जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो हर देश के क्या है, हर देश के राजदूत हर देश में होते हैं, मतलब भारत के जो राजदूत हैं वो एक एक राजदूत हर देशों में है, है ना, आपका कनाडा में हो गए, आपका अमेरिका में हो गया, आपका हर जगहों पर, बांग्लादेश हर जगहों पर है। तो क्या है, ये जो राजदूत मतलब विदेशी राजदूत जो भारत, मतलब जैसे जिस हिसाब से भारत से अन्य देशों में है, उसी हिसाब से अन्य देशों के राजदूत भी भारत में है, रहते हैं। तो ये जो विदेश वाले राजदूत हैं, यानी कि जो भारत में हैं, ठीक है, सब हर कंट्रीज के, उन पर भी किसी प्रकार की क्या है, वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये क्या है, आपके जो विदेश मंत्री अभी चल रहे हैं, क्या कौन चल रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, देश के जो हमारे विदेश मंत्री हैं अभी, फॉरेन मिनिस्टर, वो कौन चल रहे हैं, एक बार बताएं, एक बार बताएं, सुब्रमण्यम जयशंकर चल रहे हैं ना, एस जयशंकर, वो क्या थे, अभी तो मिनिस्टर चल रहा है ना, लेकिन वो थे क्या, वो विदेश सेवा में थे, इसमें थे विदेशी सेवा में थे, आपके क्या इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, वो भी एक क्या है, यूपीएससी परीक्षा पास करके वो भी आईएफएस ऑफिसर थे। तो क्या है, वो इससे पहले क्या थे, वो भी एक राजदूत के तौर पर विभिन्न देशों में क्या तैनात थे, अभी तो वो मिनिस्टर हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उनको, उन लोगों को भी यहाँ पर छूट मिलती है जो विदेशी राजदूत होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर समानता का कुछ अपवाद है, कानून के समक्ष समानता का कुछ अपवाद है, ये सारी, ये हमने मैटर देख लिया। अच्छा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ में आ गई है। अच्छा, आप ये, चलिए मैं इरेज कर दूं, चलिए इरेज करता हूं इसको। चलिए एक बात बताएं मुझे आप कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दें और लाइक का बटन दबाया करें। अच्छा, जो इकोनॉमी की क्लास हुई है, इकोनॉमी की जो आपकी 19 क्लास हुई है, आप लोगों में से किन किन लोगों ने क्लासेस कर ली हैं, प्लीज एक बार बताएं, और बुक्स किन किन को मिल गई हैं, बुक्स किन किन को मिल गई हैं, बुक्स स्टडी मटेरियल ये सब किन किन को मिल गया है। ये जो बुक्स मिली हैं वो और भी बुक्स अब आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, जो स्टडी मटेरियल मिला है वो और भी स्टडी मटेरियल अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें, 2-3 दिन में आपको और भी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो इस पर व्हाट्सअप कर दें आप, 9711410048, ठीक है, इस पर क्या कर दें आप, व्हाट्सअप कर दें। इकोनॉमी की जो 19 क्लासेस हैं वो प्लीज कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 19 क्लास हुई है इकोनॉमी की, उसका जो प्लेलिस्ट है वो दे दिया गया है। 20वीं क्लास से आपका मंडे से मे भी शुरू हो जाए, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब
ये जो आपकी आज की क्लास है ये आज सैटरडे है, कल आपकी क्या है, कल आपकी क्लास ये वाली नहीं होगी। क्या है ये वाली? पॉलिटी की क्लास नहीं होगी, बल्कि कोई दूसरे टॉपिक पर आपको, यूपीएससी से रिलेटेड किसी टॉपिक पर आपको हो सकता है एक वीडियो देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए आज क्लास यहीं एंड करते हैं, अगले क्लास में मंडे से फिर से वही सुबह 11 बजे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।